नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसकी चाल का असर मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि न्याय प्रदाता शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया और अब वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक चलेंगे। साथ ही शनिदेव इस अवस्था में राशि अनुसार पाया भी बदलते हैं। यहाँ आपको ऐसी 3 राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी राशि में शनिदेव लोहे के पाए पर चलेंगे, जिससे इन राशियों को धन लाभ हो और तरक्की के योग हो रहा है। इससे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव चांदी और सोने के पाए भी चल चुके हैं। आइए जानते हैं ये राशियाँ जिनसे लोहे के पाए पर चलने वाले शनिदेव से धन लाभ होने वाला है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से शनिदेव का गोचर लोहे के पाए पर हुआ है। साथ ही शनि यहाँ राजयोग कारक है, वही शश नाम का राजयोग भी बना रहे, इसलिए इस समय आप कोई प्रॉपर्टी और वाहन को खरीद सकते हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपको जमीन जायदाद के लेन देन में लाभ होगा। साथ ही समय नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन शनि के ऊपर केतु की दृष्टि है, इसलिए माँ के सेहत का खराब हो सकती है। साथ ही आपकी नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकते हैं, मतलब आपको 30 अक्टूबर तक सावधान रहने की विशेष जरूरत है। वहीं इस अवधि में केतु के बीज मंत्र का जाप करें, मंगलवार का व्रत भी रखें, साथ ही जरूरतमंद और गरीबों को कंबल दान दें। कर्क राशि, शनिदेव का गोचर आपकी राशि से लोहे के पाए पर हुआ, इसलिए समय आपको मेहनत से चीजों की प्राप्ति होगी। साथ ही पिता के साथ संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। कर्क राशि वालों को पुराने निवेश से धन लाभ होगा। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही जो लोग नौकरी पैसे हैं उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन आप 17 जनवरी से ढैया शुरू हुई है और शनि की आपकी गोचर कुंडली से मृत्यु स्थान में केतु की दृष्टि में है, इसलिए जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं ऑपरेशन और दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए आप लोगों को भी केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि, आपकी राशि से शनिदेव का गोचर लोहे पाए पर हुआ, इसलिए समय आपको अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। साथ ही नौकरी बदलने का आपका प्लान बन सकता है, विदेश में जाकर आप बन सकते हैं। लेकिन इस समय आपको घर परिवार में बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपकी घुटनों से संबंधित परेशानी भी होगी। 17 जनवरी से शनि की 7:30 भी शुरू होती है, आपको लेन देन करते समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। इस साल 30 अक्टूबर के बाद आपका गोल्डन समय शुरू होगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।